हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, बहुत सारे लोग आप में से जो है विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले रहे होंगे, तो अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विटामिन सी के सप्लीमेंट्स हैं वो कितने हार्मफुल होते हैं और आपको क्यों नहीं लेने चाहिए। वैसे तो बेसिकली जो विटामिन सी है वो काफी इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा ये हमारी ब्लड वेसल्स को हेल्दी करता है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, कोलेजन फॉर्मेशन कर रहा होता है हमारी बॉडी में। कुछ लोगों को थोड़ा सा चलने के बाद उनका सांस फूलने लगता है, तो ये हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो ओवरऑल विटामिन सी जो है वो काफी हेल्दी विटामिन है, लेकिन कुछ लोग जो है विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से ये काफी हेल्दी विटामिन है। अब अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेते हो जो कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी होते हैं, रियलिटी कुछ और होती है, हम लोगों को कुछ और दिखाया जाता है। विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स है अगर हम उनकी बात करें तो उसमें जस्ट जो है एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है, जबकि नेचर में जो विटामिन सी प्रेजेंट होता है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड के अलावा बहुत सारी और चीजें प्रेजेंट होती हैं और इसको विटामिन सी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो जस्ट एक कंपोनेंट होता है विटामिन सी का, लेकिन जो सप्लीमेंट्स आते हैं विटामिन सी के उसमें सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को जब डिस्कवर किया गया था तो इसको नाम एस्कॉर्बिक एसिड इसलिए दिया गया था क्योंकि एस्कॉर्बिक का मतलब होता है ए मीन नो, स्कॉर्बी मीन स्कर्वी। स्कर्वी कैसी डिजीज होती है जिसमें हमारी जो टीथ गम्स होते हैं यानी कि जो मसूड़े होते हैं दांतों के उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा एसिड जिसकी वजह से स्कर्वी जो है वो ना हो उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो जब हमने ये देखा कि एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी नहीं होती है तो लैब में सिंथेटिकली एस्कॉर्बिक एसिड को तैयार किया गया और पेशेंट्स को जो है वो यूज करवाया गया एस्कॉर्बिक एसिड, लेकिन उनकी जो सिम्टम्स थी वो एज सच रही, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो उन्होंने ये देखा कि जब हम लैब में एस्कॉर्बिक एसिड को तैयार करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उन्होंने पेप्रिका से नेचुरल फॉर्म में विटामिन सी जो है वो पेशेंट को जब दिया तो उनकी जो सिम्टम्स थी वो रिमूव हो गई। तो उन्होंने ये देखा कि जब हम नेचुरल फॉर्म में दे रहे हैं पेप्रिका से विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड तो पेशेंट जो है फौरी तौर पे रिकवरी कर रहा है। तब उनको ये पता चला कि एस्कॉर्बिक एसिड के अलावा कोई चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने इसको पी फैक्टर का नाम दिया, क्योंकि ये पेप्रिका से उनको मिला इसलिए इनको उन्होंने पी फैक्टर का नाम दे दिया। बाद में रिसर्च से ये भी पता चला कि विटामिन सी के अंदर जो है वो जे फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। अब जे फैक्टर क्या करता है, ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है, कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज कर देता है, यानी थोड़ी सी वॉक करने के बाद अगर आपका सांस फूलने लगता है तो इसी जे फैक्टर की वजह से आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और आपका सांस फूलता नहीं है, आपको फटीग नहीं होती है, आप थकावट महसूस नहीं करते हो। इसके अलावा लेटर हमें ये पता चला कि विटामिन सी जो है कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर एक और विटामिन है जिसको विटामिन के कहते हैं। अब विटामिन के जो है वो ब्लीडिंग को रोकता है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। लेटर हमें यह पता चला कि इसमें एक मिनरल भी होता है जिसका नाम है कॉपर। अब कॉपर जो है वो कोलेजन फॉर्मेशन भी करवा रहा होता है और एंजाइमेटिक कॉपर की फॉर्म जो टायरोसिनेज है वो प्रेजेंट होती है इस सी कॉम्प्लेक्स के अंदर या विटामिन सी के अंदर। ये टायरोसिनेज जो है वो एक प्रीकर्सर होता है एड्रीनल हार्मोन्स के लिए। तो बुनियादी तौर पर विटामिन सी जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें 5-10% एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसके अलावा जो है वो काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि पी फैक्टर हो गया जो कि आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ब्लड वेसल्स में, जो वेसल्स होती हैं आपकी उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसको सपोर्ट करता है, आपकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ को इंप्रूव करता है। अगर पी फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग होगी, आपकी वेसल जो है वो रैप्चर होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये ब्लीडिंग आपके ब्रेन में होगी तो हेमोरेजिया ब्रेन में होने से सडनली आपकी डेथ हो सकती है। तो बेसिकली विटामिन सी में जस्ट एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता है, सराउंडिंग में एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसके अंदर बंच ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बंच ऑफ अदर थिंग्स होती हैं, यानी ये सारी चीजें मिलकर जो है वो आपको बेनिफिट्स दे रही होती है विटामिन सी का। लेकिन चूंकि एस्कॉर्बिक एसिड को लैब के अंदर तैयार करना बहुत ईजी था, बहुत आसान था, इसलिए इसको एस्कॉर्बिक एसिड का नाम देकर एस्कॉर्बिक एसिड के सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एंड सेकेंडली, अगर ये आप एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा ले रहे होते हो, एक तो आप सप्लीमेंट्स लेते हो विटामिन सी के यानी जस्ट एस्कॉर्बिक एसिड लेते हो तो आपको ये विटामिन अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो साथ में नहीं मिल रहे होते हैं। सेकेंडली, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड हम ले रहे होते हैं हाई एस्कॉर्बिक एसिड लेने से इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं
फॉर एग्जाम्पल जो पी फैक्टर है, जे फैक्टर है, कॉपर है, वाइटामिन के है, ये सारी चीजें, ये इन सारी चीजों को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, ये अपने साथ इसको बाइंड करता है और बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। इसी वजह से जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे होते हो एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म में वाइटामिन सी के, तो आफ्टर 2 or 3 weeks आपको सीवियर किस्म के जो सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है डेफिशिएंसी की वाइटामिन सी की, यानी आपको वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी की सीवियर जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन जो है रफ होना शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है, आपकी गम्स जो है उसमें ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं ना सिर्फ इनमें इनकी मिकदार कम होती है, बल्कि जब हाई अमाउंट में आप एस्कॉर्बिक एसिड ले रहे होते हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो रिजर्व भी प्रेजेंट होते हैं उनको भी साथ में अपने लेकर बॉडी से खारिज हो जाता है। तो अब आपको करना क्या चाहिए, बेस्ट सोर्स जो है वो नेचुरल फॉर्म है वाइटामिन सी आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल कीवी, कीवी एक फ्रूट है जो बेस्ट सोर्स है वाइटामिन सी का, गुआवा है, पपाया है, ये बेस्ट सोर्स होते हैं वाइटामिन सी का। अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो अभी लेना बंद कर दो सप्लीमेंट्स को, इसकी बजाय आप नेचुरल फॉर्म में कीवी ले सकते हो, गुआवा ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, बेल पेपर ले सकते हो। तो इनमें से कोई भी चीज आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करो, ताकि अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे थे और उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है सीवियरली डेफिशिएंसी हो चुकी हो इन न्यूट्रिएंट्स की, तो आपको फौरी तौर पे उनको जो है वो अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करना है, ताकि आपका वाइटामिन सी जो है दोबारा मेंटेन हो सके आपका लेवल। और जो लैब के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड तैयार हो रहा है वो होता है कॉर्न से। अब कॉर्न के अंदर अगर देखो तो उसमें वाइटामिन सी जो है रिच सोर्स नहीं होता है कॉर्न, अगर उसमें आप मिकदार देखो तो जस्ट 6.8 mg/100 g होता है, यानी 6.8 mg। और उसको जब कॉर्न स्टार्च को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अटैच किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अटैच किया जाता है, बाइंड किया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड हासिल होता है। अब लैब में तैयार किया हुआ एस्कॉर्बिक एसिड इज नॉट अ वाइटामिन सी, वो वाइटामिन सी नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो इनमें से कोई न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल पी फैक्टर या जे या कॉपर जो है उसको इंग्रेडिएंट्स को एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिलाकर और वो कहते हैं कि ये जो है नेचुरल फॉर्म हो गई है, जो कि अगेन एक फनी थिंग है कि आप कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला के उसको शेक करो और आप ये कहो कि ये वाइटामिन सी है, तो ऐसा नहीं होता है। नेचर ने जो वाइटामिन सी के अंदर ये कंपोनेंट रखे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, उनकी खास मिकदार होती है, वो खास लेवल होता है, तभी आप उसके बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। और कुछ लोग इसीलिए वाइटामिन ले रहे होते हैं, इसलिए सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं कि उनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं होता। आपको क्वालिटी देखनी है, आपको क्वांटिटी नहीं देखनी है, अच्छी क्वालिटी में वाइटामिन आपको लेने हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इसी लगी वीडियो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।